बड़े बेआबरू होकर उनकी गली से गुजरे, अगर तुम होते तो क्या होता। अरे नोमेडी भाई, आप बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, पर मेरा वीडियो कब आ रहा है? हाय डब्ल्यूडीजी भाई, पहले तो रेलवे ने मुझे कुछ खास कहा नहीं दिया और आप भी अब मुझ पर वीडियो नहीं बना रहे। नहीं डब्ल्यूडीजी भाई, आज आपकी ही कहानी लेकर हम आए हैं। मैं WDG5 सालों से इंडियन रेलवे की इन खूबसूरत नजारों से गुजरता चला जा रहा हूं। मैं एक जगह से दूसरी जगह केवल सामान नहीं ले जाता, इन नजारों को एंजॉय भी करता हूं। स्टील के व्हील्स और इस स्टील की बॉडी के अंदर मेरा भी एक छोटा सा दिल है। और हाँ, मैंने कई बार रेल फैंस की फुसफुसाहट सुनी है जो मेरे कारनामे और कहानियों की आपस में चर्चा जरूर करते हैं, पर बेफिक्र रहिए, मुझे आपकी तारीफ बड़ी अच्छी लगती है और आपकी यात्राओं का हिस्सा बनकर भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप मेरी कहानी एंजॉय करिए, तब तक ये मालगाड़ी छोड़कर आता हूं। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवेज के बाहुबली की, जो कि जबरदस्त ताकत क्षमता वाला एक लोकोमोटिव है जिसे भीम के नाम से जाना जाता है। भीम नाम इसकी ताकत की वजह से रखा गया था, जो कि पांडवों में सबसे ज्यादा बलशाली थे और ये लोगो है भी भीम जैसा ही। अगर आपने इस लोगो को नहीं देखा है तो यकीन मानिए, इसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस लोगो को इंडियन रेलवेज में WDG5 के नाम से भी जाना जाता है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस लोगो के मात्र 7 ही यूनिट बनाई गई? तो आइए इस दमदार लोकोमोटिव की कहानी शुरू करते हैं। इंडियन रेलवेज में इलेक्ट्रिक लोगो तो बहुत बलशाली थे, पर डीजल लोकोस में अब तक ऐसा कोई गुड्स लोकोमोटिव नहीं था जो 4500 हॉर्स पावर से ज्यादा की ताकत जनरेट कर पाए। ऐसे में WDG4 के बाद EMD द्वारा निर्मित एक और लोकोमोटिव, जिसका मॉडल नंबर था SD80MAC, जो कि एक 5000 ताकत क्षमता वाला लोकोमोटिव था, इंडियन रेलवे में इंट्रोड्यूस हुआ। इस लोकोमोटिव को EMD ने RDSO के इंजीनियर्स के साथ मिलकर बनाया था। अब यह नया लोको 5500 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करने की क्षमता रखता था। इतना ही नहीं, ये लोकोमोटिव काफी फ्यूल एफिशिएंट भी था। आगे बढ़ने से पहले इस लोको के स्पेसिफिकेशंस की चर्चा कर ली जाए। RDSO और EMD द्वारा डेवलप किए गए इस लोको का निर्माण बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में 2012 से 2018 तक हुआ, जिस दौरान इसके मात्र 7 यूनिट ही बनाई गई। इस लोको में 2-स्ट्रोक टर्बोचार्ज EMD20N710 G3BES नाम के 20 सिलेंडर वाले डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इतना दमदार होने के बावजूद इस लोकोमोटिव का ट्रैक्टी एफर्ट कुछ खास अच्छा नहीं था, जो कि 560 किलोन्यूटन के करीब था। ये मात्र 20 किलोन्यूटन ज्यादा था WDG4 लोकोमोटिव से। कोको व्हील अरेंजमेंट वाले इस लोकोमोटिव में HTCF बोगी का इस्तेमाल किया गया था, जो कुछ ऐसी दिखती है। इस लोको का एक्सल लोड 22.3 टन है। वहीं बात करें इसके वजन की, तो ये बहुत भारी भरकम लोकोमोटिव है। इसका वजन 134 टन है। ये लोकोमोटिव एक बार में 7500 लीटर की डीजल को कैरी कर सकता था। इसमें डीजल इलेक्ट्रिक AC IGBT माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। बात करें मैक्सिमम रफ्तार की, तो ये लोकोमोटिव 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर दौड़ सकता है। बात करें इस लोको के ट्रैक्टिव एफर्ट की, तो स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट इस लोको का 560 किलोन्यूटन है और कंटिन्यूस ट्रैक्टिव एफर्ट 405 किलोन्यूटन का दे सकता है लोकोमोटिव। इन लोको का सीरियल नंबर 50001 से 50007 तक है। वैसे तो इसकी ताकत की वजह से इसका नाम भीम दिया गया था, पर ज्यादा ताकत होने के बावजूद भी इसकी माल ढुलाई की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। वैसे तो आज भी लोकोमोटिव साबरमती डीजल लोको शेड में देखे जा सकते हैं, और यकीन मानिए, अगर आपके सामने लोकोमोटिव आ जाए तो आप इसके आकार को देखकर यकीनन हैरान रह जाएंगे। अब तुलनात्मक रूप से बात करें तो WAP-4 की तरह डेवलप हुए WAG-7 लोकोमोटिव, जो 428 किलोन्यूटन का मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर सकते थे, उनसे यह लोकोमोटिव ताकतवर है। और कमाल की बात यह है कि इंडियन रेलवेज का ग्रीन गॉब्लिन या फिर मॉन्स्टर कहे जाने वाले लोकोमोटिव WAG-9 भी मात्र 475 किलोन्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर सकते हैं। पर वहीं WAG-9 का मॉडिफाइड वर्जन WAG-9H और HI लोकोस भी 510 किलोन्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट ही जनरेट कर सकते हैं। इस हिसाब से तो WDG-5 इंडियन रेलवे का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है। पर क्या बता सकते हैं कि इससे ताकतवर भी कोई लोकोमोटिव है? जी हाँ,
2017 में इंट्रोड्यूस हुए WAG-12 ने जबरदस्त 705 किलोन्यूटन की ताकत क्षमता दिखाने के साथ ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करने के साथ सबको हैरानी में डाल दिया था। और आज भी ये लोकोमोटिव इंडियन रेलवे का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। WDG-4 जो कि इस लोकोमोटिव से पहले इंडियन रेलवे में शामिल हुआ था, ये भी बहुत दमदार था, जो कि 540 किलो न्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर सकता है। हाल ही में इंडियन रेलवे में शामिल हुए WDG-4G लोकोमोटिव जो कि 544 किलो न्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर सकते हैं, और वहीं WDG-6G जो डीजल लोकोज में आज की डेट में सबसे ताकतवर लोकोमोटिव है, जो 570 किलो न्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर सकते हैं। इस लिहाज से इंडियन रेलवे को WDG-5 इतना कारगर नजर नहीं आया, जिस वजह से इस लोको का प्रोडक्शन 2018 में बंद कर दिया गया। इसके अलावा इस लोको में एक और समस्या थी, जो कि था इसका लॉन्ग हुड। लॉन्ग हुड फ्रंट मोड में जब ये चलता था, तब लोको पायलट्स को अक्सर सिग्नल्स को देखने में समस्या का सामना करना पड़ता था। वैसे आपने कभी WDG-5 ट्विन्स यूनिट को ऑपरेट होते हुए देखा है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर से दे सकते हैं। इंडियन रेलवे के इस बेमिसाल लोकोमोटिव को ट्रैक पर ज्यादातर अकेले ही देखा जाता है। इसका हालांकि कोई खास कारण तो नहीं है, पर जिन जगहों पर ये लोको गुड्स को हॉल करते हैं, उन रूट्स पर ग्रेडियंट यानी चढ़ाव की स्थिति बहुत नॉर्मल होती है। वैसे तो इस लोको की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आर ही है, पर सोचिए इस मोटर के साथ अगर इसका पैसेंजर वर्जन भी बनाया जाए तो ये कितना तेज होता। हालांकि डीजल रूट्स के खत्मे के साथ इंडियन रेलवे अब डीजल लोकोमोटिव्स के विकास के बारे में नहीं सोच रही, तो हो सकता है कि WDG-5 के किसी और वेरिएंट का देखने का इंडियन रेलवे में अब मौका ना मिले। अब इंडियन रेलवे को तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक लोकोस की तलाश है। जिस तरह WM-4 इलेक्ट्रिक रूट में अब तक का आखिरी लोको था जो मिक्स पर्पस के लिए बनाया गया था, उसी तरह WDP-4 सीरीज शायद डीजल लोकोस के आखिरी पैसेंजर लोकोस बनकर रह जाएंगे। अब तो शायद आने वाले समय में WDG-6G के बाद कोई भी डीजल लोकोमोटिव इंडियन रेलवे में इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मैं जल्द ही मिलता हूं अपने किसी और वीडियो, किसी केस स्टडी, किसी जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।